नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिजा सिंह। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर कटाक्ष का दौर लगातार जारी है। कभी अखिलेश भाजपा नेता की चुटकी लेते दिखाई देते हैं तो कभी केशव मौर्य सपा प्रमुख पर पलटवार करने से नहीं चूकते। वहीं अखिलेश शुक्रवार को लखनऊ सपा मुख्यालय में संविधान मान स्तंभ का अनावरण करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मोहरा हैं। यूपी में वाईफाई के दो पासवर्ड हैं। आप खेल देखिए, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का तो वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। सपा प्रमुख के मोहरा वाले बयान पर अब केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कांग्रेस के मोहरा सपा मुखिया अखिलेश यादव 2027 में पराजय सुनिश्चित देख अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जनता से झूठ बोलकर 2024 में मिली सफलता से वो गुब्बारे की तरह फूल गए हैं। उन्हें 2014, 2017, 2019 और 2022 में सपा की पराजय याद रखनी चाहिए। 2027 में 2017 दोहराएंगे। एक अन्य पोस्ट में केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव और इनका कुनबा पिछड़ों और दलितों का कट्टर जन्मजात विरोधी है। सपा का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है। विदेशी शक्तियों के हाथों खेल रही कांग्रेस के मोहरा अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं अखिलेश यादव ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम के दिल्ली दौरे पर कटाक्ष किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, लगता है डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया है जो दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग करता है। ऐसा लग रहा है कि दो राजधानियों के बीच कोई इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है। उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के एक पूर्व राज्य मंत्री की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा, सरकार दावा करती थी कि उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, खासकर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर, लेकिन अब उनके नेता खुद कह रहे हैं कि हमने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा है। अब आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में चल रही तमाम सियासी अटकलों के बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मानसून ऑफर दिया। इसमें उन्होंने कहा था कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। अखिलेश के इस ऑफर पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पलटवार किया था। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा था कि मानसून ऑफर को 2027 में जनता और कार्यकर्ता फिर 47 पर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है लेकिन पूरे नहीं हो सकते। 2027 में 2017 दोहराएंगे और फिर कमल की सरकार बनाएंगे। इसी के बाद से दोनों के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।